तो आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आप इसमें से स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है? कॉस टू एक्स के फॉर्मूले। कॉस टू एक्स क्या होता था? 1 - 2 sin² x। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? कॉस टू एक्स को राइट भेज दो, साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट भेज दो। सो यू विल गेट 2 sin² x = 1 - cos² x। यहां से एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स मिलता है 1 - cos² x / 2। ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास कॉस टू एक्स का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? कॉस टू एक्स का एक और फॉर्मूला है 2 cos² x - 1। ये वाला भी लगा लीजिए। यहां से आपको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 1 + cos² x। इसको याद भी कर लेना, नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना, ठीक है? अभी हम इसको निकाल के देख रहे हैं इस तरह से। तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है 1 + cos² x / 2, और आपका साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है 1 - cos² x / 2। तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आपका इंटीग्रल है, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 - cos² x / 2। कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 + cos² x / 2 dx। ऐसे रहा। अच्छा, इसको आगे क्या लिखा जा सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 and 2 1/4 बाहर करते हैं, कॉन्स्टेंट है, बाहर करते हैं। और ये a + b a - b क्या बन जाएगा? a² - b² cos² 2x ऐसा बन गया। अब इसको ध्यान से देखिए, 1/4 हम ऐसे ही रखते हैं, 1/4 integration 1 dx माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/4, ये इसको हम 1/8 कर लेते हैं, और 2 हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। cos² 2x dx। ऐसा क्यों किया? अगेन इसको हमने जो ये कॉस स्क्वायर है फिर से चेंज करना है, स्क्वायर ये वाला स्क्वायर हटाना है यहाँ से, ठीक है ना? वो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था वो? 2 cos² x का वैल्यू क्या आ रहा था? 1 + cos² x ऐसे था। ये आपका cos² x जो फॉर्मूला था वो 2 cos² x - 1 था, 1 को हमने इधर भेज दिया, तो एक ही बात है ना, ठीक है? तो इसको यहाँ हम नीचे यूज कर लेंगे वही फॉर्मूला। आपका क्या बन रहा है? ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1 dx माइनस 1/8, और 2 cos² x कैन बी रिटन एज 1 + cos। आपका जो ये एंगल है ना, ये डबल हो जाता है। 2x का क्या हो जाएगा? 4x, और इसका dx। आपको ये इंटीग्रेट करना है ना, दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड, इस पर इंटीग्रेट करना है। बस अब तो आसान हो गया, तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, 1/4 ऐसे ही, और इसका आ गया x माइनस 1/8 ऐसे ही, और इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, माइनस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x / 4। ऐसे तो हमने कई बार किया है, sin 4x / 4, और प्लस सी लगा देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स सबको ऐड करके रख सकते हैं। आपका
आपका 1 by 4 माइनस 1 by 8 कितना बचेगा? ये बच जाएगा 1 by 8 x और ये माइनस 1 by 8 4 जो 32 sin 4x plus c, ये आपका आंसर होना चाहिए।